जी स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में सभी का। आज हम लोग बात करेंगे YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी की। जी हाँ, YouTube ने अभी मोनेटाइजेशन यानी कि जो YouTube से मिलने वाली जो अर्निंग्स है उसे कर दिया है बहुत ही आसान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग YouTube से मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, और उसके तहत हम आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, YouTube प्रोग्राम क्या होता है क्रिएटर्स के लिए, और सारी चीज़ें के बारे में हम थोड़ी यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। तो YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पहले कुछ सालों से YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को 1000 सब्सक्राइबर्स के तहत रखा था कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आपके होते हैं और 4000 जो कि 4000 वॉच आवर्स अगर आपके एक साल में कंप्लीट होते हैं तो ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन अभी 2024 में YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है, इसके तहत YouTube ने कर दिया है इसको बहुत ही आसान। जी हाँ दोस्तों, YouTube ने अभी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी हैं अपने मोनेटाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसके कुछ ज़रूरी नेसेसिटीज या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होगी अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो जैसे कि मिनिमम ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स आपके YouTube चैनल को होने चाहिए। तो अगर आपके 500 सब्सक्राइबर्स है और अगर लास्ट 90 डेज में अगर आपने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं तो ही आप उसकी क्राइटेरियाज में सेट होते हैं। ये तो है ज़रूरी क्राइटेरिया, उसे हम लोग रिक्वायर्ड क्राइटेरिया भी बोलते हैं। और इसके बाद भी एक क्राइटेरिया आपकी पूरी होनी चाहिए जो कि है मिनिमम ऑफ 3000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने होंगे लास्ट 365 डेज में, यानी कि एक साल में आपके कम से कम 3000 वॉच आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पहले जो YouTube की पॉलिसी थी उसके तहत 1000 सब्सक्राइबर्स थे और आपको 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने होते थे, लेकिन अभी YouTube ने उसको कर दिया है 500 सब्सक्राइबर्स और मिनिमम ऑफ 3000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपके 3000 वॉच आवर्स नहीं कंप्लीट होते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं जो कि है 3 मिलियन व्यूज आपके शॉर्ट्स पे। तो शॉर्ट्स जो वीडियोस होते हैं, अगर पिछले 90 दिनों में अगर आपने 3 मिलियन व्यूज उस पर लाए हैं तो भी आपका अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे क्राइटेरियाज है, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपके 500 सब्सक्राइबर्स हैं और पिछले 90 दिनों में आपने मिनिमम 3 वीडियोस अपलोड करने होते हैं, और उसके अलावा आप एक तो 3000 वॉच आवर्स कंप्लीट कीजिए या 3 मिलियन व्यूज लाइए शॉर्ट्स पे। तो ये तो है क्राइटेरिया। अब इसके बाद क्या, जैसे ही आप ये पूरा कंप्लीट करते हो आपको बहुत सारी YouTube से आपको स्पेशल फीचर्स मिलते हैं और ऑब्वियसली आपका अर्निंग तो स्टार्ट होता है, लेकिन स्पेशल फीचर्स जो है उन्होंने उनके मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में लिखा है। अगर आप YouTube पे जाओगे तो YouTube का एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी रखा है, तो वो मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ कि वो क्या है मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। अभी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में लिखा है कि बीइंग एक्सेप्टेड इनटू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिसे YPP भी कहते हैं, इज अ मेजर माइलस्टोन इन एनी क्रिएटर जर्नी। यानी कि ये कहता है मोनेटाइजेशन पॉलिसी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम एक मेजर माइलस्टोन है किसी भी क्रिएटर के जर्नी में, और इसके तहत एज पार्ट ऑफ YPP क्रिएटर्स कैन स्टार्ट मोनेटाइजिंग देयर कंटेंट, रिसीव ईमेल एंड चैट सपोर्ट एंड गेट एक्सेस टू कॉपीराइट मैच टूल टू हेल्प देयर प्रोटेक्ट देयर कॉन्टेंट। तो ये कहता है कि एज पार्ट ऑफ YPP यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम के तहत आप मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो आपके कॉन्टेंट का, आप ईमेल रिसीव कर सकते हो, चैट सपोर्ट आपका ऑन हो सकता है, और आप कॉपीराइट जो मैच टूल है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये 4 बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं वंस यू आर कंप्लीटिंग 500 सब्सक्राइबर्स और आपके
3000 वॉच आवर्स आप कंप्लीट करते हो तो अभी इस ये आगे बढ़ के बोलता है कि अ की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर YPP यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम का जो की रिक्वायरमेंट है इज टू फॉलो आप उनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी फॉर्म फॉलो कीजिए, कम्युनिटी की जो गाइडलाइंस है YouTube कम्युनिटी की वो फॉलो कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन सारे होनी चाहिए और Google AdSense की जो पॉलिसीज है वो भी आपकी कवर होनी चाहिए तो ही आप इसके YPP के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो, राइट। सो क्या होता है जब आपका 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हैं, आपके 3000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट है, उसके बाद क्या, उसके बाद अगर ये आपका पूरा कंप्लीट होता है तो आपको बेसिकली बेस टर्म्स होते हैं, रिव्यू बेस टर्म्स वो आपको कंप्लीट करने होते हैं और गूगल एडसेंस उसको आपको साइन अप करना होता है, फिर गूगल एडसेंस का आपका अकाउंट क्रिएट होता है और फिर उसके बाद ये सारा चीज यूट्यूब एक बार रिव्यू करता है और वंस इट इज रिव्यूड बाय यूट्यूब फिर आपको वो दिखाएगा कि आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम फिर जो जिसका कहना है कि YPP में आपका स्वागत है ऐसा यूट्यूब आपको कहेगा और फिर उसके तहत आपको अर्निंग्स के जो वेज टू अर्न है पैसे आप कैसे कमाओगे या मोनेटाइजेशन आपको कैसे होगा उसके चार अलग अलग तरीके YouTube बताता है। पहला तो वॉच पेज एड्स, जैसे कि वॉच पेड एड है और शॉर्ट फीड एड है और तीसरा है मेंबरशिप और चौथा है सुपर चैट। सो सुपर उसका नाम होता है। पहले दो चीज जो है वॉच पेड एड्स शॉर्ट फीड एड्स ये जो है अगर आप नॉर्मली कोई भी YouTube पे वीडियो चलाते हो तो उसके पहले जो एड्स आता है तो अगर आपके मोनेटाइजेशन पॉलिसी में अगर आपके क्राइटेरियाज कंप्लीटेड है तो आपके वीडियो के पहले भी कुछ एड्स आएंगे उसके लिए भी आपको कुछ मोनेटाइजेशन मिलेगा। दैट ये दो फीचर्स वो है वॉच पेज एड्स और शॉर्ट फीड एड तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है लेकिन ये दो फीचर तभी आपके ओपन होते हैं या स्टार्ट होते हैं जब आप 500 नहीं आप 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कंप्लीट करते हो और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करते हो। सो जो आपका 500 सब्सक्राइबर्स है उससे 500 सब्सक्राइबर्स आपको ज्यादा करने होते हैं और 1000 वॉच आवर्स ज्यादा करने होते हैं। यस, लेकिन आपके 500 सब्सक्राइबर्स के वक्त एक्टिव क्या हो जाता है तो मेंबरशिप आपका एक्टिव हो जाता है और सुपर चैट जो है एक आपके बेस में जब आप वीडियो प्ले करते हो तो बेस में एक सुपर चैट का ऑप्शन आ जाता है जहां पे आप वो भी आपका एक्टिव हो जाता है वंस यू आर इन दैट 500 सब्सक्राइबर के जोन में अगर आप आते हो तो और 3000 वॉच आवर्स आप कंप्लीट करते हो। तो जैसे कि हमने कहा था कि यूट्यूब ने अभी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज थोड़ा बहुत ही आसान कर दिया है यूट्यूबर्स के लिए और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वॉच पेड एड्स शॉर्ट फीड एड्स वो भी आपके ओपन हो जाते हैं वंस आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस और अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और हम लोग जुड़ेंगे और ऐसे बेहतरीन खबरों के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।